दोस्तों वैसे तो हमने कई बार फिल्मी मैदान में एक ही टाइटल की कई फिल्में देखी हैं, चाहे फिर बात हो जंग की या फिर मर्द की। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि फिल्मों के टाइटल सेम होने के साथ साथ उस फिल्म की कहानी भी सेम हो, क्योंकि भले ही दोनों फिल्मों के टाइटल सेम हो लेकिन उस फिल्म में काम करने वाले कलाकार और फिल्म की कहानी में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन इसके बावजूद कई बार एक ही टाइटल वाली दो फिल्मों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, और ऐसी एक फिल्म है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और विद्युत जामवाल की फिल्म कमांडो। दोनों ही फिल्म सफल साबित हुई, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इन दोनों कमांडो फिल्म में से किसने दर्शकों के दिलों में राज किया था? तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बात की जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार कमाई की इस रेस में इन दोनों में से किसकी कमांडो फिल्म आगे रही, और अंत में देखेंगे इनमें से किसकी फिल्म बेस्ट साबित होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के डिस्को डांसर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म कमांडो की, जो साल 1988 में आई थी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती चंदर बने थे और उनके साथ शशि कपूर और शक्ति कपूर भी थे, जिन्होंने फिल्म में इंस्पेक्टर और मिर्जा का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी में चंदर की माँ पागल हो जाती है जब चंदर के पिता सतीश को मार्सेलोनी निंजा और मिर्जा द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिल्म में चंदर एक कमांडो का किरदार निभाता है, और जब चंदर को पता चलता है कि उसके पिता की मौत मार्सेलोनी निंजा और मिर्जा ने की है, तो वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है और पूरी फिल्म पिता की मौत का बदला लेने में निकल जाती है, और अंत में चंदन की जीत होती है। फिल्म की यही कहानी दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट करने में कामयाब हो गई और दर्शकों के दिलो दिमाग में छा गई, जिसके चलते 2 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने 5 करोड़ की कमाई की और हिट हो गई। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग बड़ी खास थी जो दर्शकों को बेहद पसंद आई, जिसका रिजल्ट यह निकला कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। अब बात कर लेते हैं अभिनेता विद्युत जामवाल की फिल्म कमांडो की, जो साल 2013 में आई थी। फिल्म में अभिनेता विद्युत जामवाल के साथ जयदीप अहलावत और दर्शन जरीवाला भी नजर आए, और पूजा चोपड़ा मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर अभिनय करते हुए दिखी थी। ये फिल्म करणवीर डोगरा बने विद्युत जामवाल पर आधारित थी, जहां करण का प्लेन चीन में क्रैश हो जाता है लेकिन वो जिंदा बच जाता है, जिसके बाद चीनी सरकार उस पर जासूस होने का आरोप लगाते हुए उसे कैद कर लेती है। लेकिन करण वहां से बच निकलता है और आगे चलकर आतंकवादियों के चंगुल में फंसे लोगों को सही सलामत बचाता है। फिल्म की ये एक्शन ड्रामा स्टोरी दर्शकों को काफी हद तक पसंद आई, जिसने दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए 17 करोड़ की बजट वाली इस फिल्म ने लगभग 21 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। लेकिन अगर बात करें इन दोनों में से किस कलाकार की फिल्म कमांडो बेस्ट थी, तो दोनों ही फिल्म कमांडो अलग अलग कहानी पर बेस्ड थी। दोनों की कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, इसलिए दोनों की फिल्मों ने अच्छी कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई, तो इसलिए कह सकते हैं कि दोनों ही फिल्में बेस्ट हैं। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेताओं में किसकी कमांडो फिल्म ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो, और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।